दोस्तों नमस्कार, आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है गायनी प्रॉब्लम पे। गायनी प्रॉब्लम मानी स्त्रियों को या फीमेल्स को बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होना। मासिक किस्म में स्त्रियों को बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होता है। स्राव के रूप में रुधिर के काले थक्के निकलते हैं एवं बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है। रोगिणी अत्यंत दुर्बल हो जाती है और होम्योपैथी में दवाइयाँ बहुत सारी हैं, लेकिन हम आपको कुछ चुनिंदा दवाई के बारे में और उनके लक्षण हम आपको बताएंगे। जैसे पहली औषधि जो है वो हाइड्रेस्टिस है। यदि गर्भाशय में ट्यूमर है और उसकी वजह से ऋतुस्राव अधिक होता है तो ये औषधि बहुत ही उपयोगी है। हाइड्रेस्टिस की 6 फ्लुपोडिनसी का प्रयोग करें। इसे दिन में 4 से 5 बार कम से कम लें और रेगुलर हमेशा इसे कम से कम 2 से 3 महीने तक लेते रहें। इससे जो है आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा और ट्यूमर भी जो है वो बहुत जल्दी जो है ठीक होने के चांसेस रहेंगे। दूसरी औषधि जो चाइना है, चाइना औषधि में लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। देर तक होने वाले रजस्राव के समय से बहुत पहले अथवा समय के बाद में स्राव के समय तेज दर्द, रुधिर में काले थक्के निकलें, इसके साथ रोगी अत्यंत क्षीण हो गई हो, ऐसे में इस औषधि से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। थलेस्वी वसा रजस्राव के आरंभ में बहुत थोड़ा एवं धीरे धीरे होता है, किंतु फिर भी इतना अधिक होता है कि रोगी अत्यंत दुर्बल हो जाती है। प्रायः ऐसा स्राव 8 दिन से 15 दिन तक चलता रहता है। ऐसे में यह औषधि बहुत ही लाभदायक है। इसे 12 फ्लुपोडिनसी में दिन में 4 से 5 बार लें। इससे रोगी को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगली जो दवा है वो है हमारी बोरेक्स। रजस्राव बहुत अधिक और समय से पहले होता है, जी मिचलाता है जैसे कि जैसे उल्टी होगी, पेट में ऐठन, दर्द भी पेट से आरम्भ होकर कमर तक जाता है। ऐसे में यह औषधि बहुत ही लाभकारी है। इसे 6 फ्लुपोडिनसी में दिन में कम से कम 4 से 5 बार लें। कलकेयकाब के लक्षण कुछ इस प्रकार हैं कि रोगी के शरीर से खट्टी बू आती है, पांव ठंडे एवं चिपचिपे रहते हैं, सर से पर पसीना आता है, रजस्राव समय से पहले और अधिक आता है। ये औषधि कलकेयकाब उन्हें देनी चाहिए जिन औरतों में ऐसे लक्षण आते हैं, उनको कलकेयकाब की 30 या 200 की पोटेंसी दिन में 2 बार दें, 30 की पोटेंसी को दिन में 4 से 5 बार दें। एलोज के लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। ऋतुस्राव समय से बहुत पहले होता है और बहुत अधिक होता आता है। रोगी को प्रसव जैसा पीड़ा होता है, गुदा में बहुत साफ बना रहता है। यह औषधि ऐसे लक्षण वाले रोगी के लिए बहुत ठीक है। एलोज 6 या 30 की पोटेंसी या फिर 12 की पोटेंसी दिन में 4 से 5 बार देते रहें। 2 बूंद उन्हें जीभ पे देते रहें या फिर आधे का पानी में डाल के देते रहें। याद रहे कि खाने के आधे घंटे पहले दें या फिर खाने के आधे घंटे बाद में दें। थ्रम मेटिलगम 6 फ्लुपोडिनसी में। थ्रम मेट के लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। रजस्राव बहुत अधिक समय से बहुत पहले एवं बहुत देर तक होता है। गर्भाशय से लंबे थक्के निकलते हैं। रुगणी के चेहरे पर लाली, फिर भी खून की कमी, बेहद कमज़ोर, ऐसे में थ्रम मेटिलगम औषधि उत्तम है। अगली जो दवा है वो है हमारी नक्स भूमिका। रजस्राव समय से बहुत पहले, बहुत अधिक रजस्राव इतने दिन चलता है कि पहला ऋतुकाल समाप्त होते ही दूसरा आ जाता है। रुगणी बहुत कमज़ोर हो जाती है, ऐसे में रुगणी को यह औषधि बहुत ही लाभकारी होती है। कैमोमिला। यदि रुगणी को मानसिक तनाव की वजह से मासिक अधिक आता हो
और स्राव थकेदार एवं काला होता हो तो रुगणी छिड़छिड़ी रहती है। ऐसे में ऐसे लक्षण वाले स्त्रियों के लिए कैमोमिला औषधि बहुत ही उपकारी है। इपिकाक, इपिकाक 30, रजत स्राव बहुत अधिक होता है। स्राव के रूप में चमकीला लाल रक्त निकलता है। ऐसे में रुगणी को यह औषधि लाभ पहुंचाती है। मैग्नीशिया कार्ड, रजत स्राव रात में अथवा लेटते समय होता है, खड़े होने पर नहीं होता। रजत स्राव देर से होता है और जमा हुआ तथा काले रंग का होता है। ऐसे में मैग्नीशिया का औषधि बहुत ही लाभकारी होती है। याद रखें कि अगर आपके आसपास में कोई होम्योपैथिक डॉक्टर है तो आप उनसे सलाह मशवरा उससे करें और उनसे कंसल्टेशन करें और उनसे दवाइयाँ लें। इस वीडियो को देख के कोई भी दवाई न लें। लक्षण अगर आपके आसपास में कोई डॉक्टर नहीं है, आप ऐसी जगह में हैं जहाँ पे डॉक्टरों का अभाव है, तो आप दवाई फिर ले सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो कृपया इसे अपने बहनों तक अवश्य पहुँचाएँ। नमस्कार, जय हिंद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हेलीमैन।